हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड या सेंटेंस को लिखते हैं जब हम, तो उसके नीचे दो तरह की लाइनें आती हैं। एक तो होती है रेड लाइन और दूसरी लाइन होती है ग्रीन लाइन। रेड और ग्रीन लाइनें क्यों आती हैं, किस कारण आती हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़, एमएस एक्सेल में हम जानेंगे स्पेलिंग चेक का अर्थ क्या होता है, स्पेलिंग चेक का यूज क्यों किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। एमएस वर्ड में कुछ नाम टाइप किया, देखिए आपके नाम सामने दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा इसको और जूम कर देता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड लाइन है, यहाँ पे भी रेड लाइन है, और यहाँ पे आर के नीचे ग्रीन लाइनें हैं। ये लाइनें क्यों आती हैं, इसका यूज क्यों होता है। देखिए, एमएस वर्ड दो तरह की गलतियों को पकड़ता है। पहला होता है स्पेलिंग मिस्टेक और दूसरा होता है ग्रामर मिस्टेक। जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक होता है उसके नीचे आपको रेड लाइन मिलेगी, और जहाँ ग्रामर मिस्टेक होता है उसके नीचे आपको ग्रीन लाइन मिलती है। इन दोनों का यही यूज होता है। इन दोनों को हटाने के लिए आप चाहें तो इस पर राइट क्लिक करके इग्नोर वंस कर देंगे तो भी हट जाएगा, इग्नोर ऑल कर देंगे तो भी हट जाएगा, नहीं तो इसके टाइप से नाम यहाँ पे दिए आपको मिलेंगे, यहाँ से भी सही कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सही करने के लिए सबसे पहले आते हैं टैब्स पे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ होम, इंटर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू। जब हम रिव्यू टैब में आते हैं सबसे नीचे यहाँ पे दिखेगा प्रूफिंग का एक तो ग्रुप बॉक्स। देखिए प्रूफिंग ग्रुप बॉक्स है, इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, ट्रांसलेट ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इस प्रूफिंग में सबसे पहले आएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, जो हम क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की है F7, इससे भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए नेम में लिखा है स्पेलिंग, हमने NAMEES नेम्स लिखा है। इसको चेंज करने के लिए इसके सजेशन में यहाँ पे वर्ड दे रहा है, जिसको वर्ड को आप ले सकते हैं, अपने सेंटेंस को ना सकते हैं। मुझे इसकी जगह चेंज करना है नेम्स को, बस यहाँ से चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा। ये सही हो गया, इसके नीचे लाइनिंग समाप्त हो गई। यहाँ पे हमने लिखा है किसी का नाम, इसको सही करना है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ से बहुत सारे नाम इसमें दिए हुए हैं। रूम कर सकते हैं, हैसम कर सकते हैं, प्रोम कर सकते हैं, हरियम कर सकते हैं। क्या होता है कि एमएस वर्ड के डिक्शनरी में जो वर्ड पहले से ऐड होते हैं वो सिर्फ उन्हीं वर्डों के बारे में सजेशन देता है, जो वर्ड ऐड नहीं है उनके बारे में वो सजेशन नहीं देगा। किसी नए वर्ड को आपको ऐड करना है तो यहाँ पे लिखा होता है ऐड टू डिक्शनरी, इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे मान ली इस नाम को ऐड करना हो, इसमें उसको अगर इस नाम की जगह इसको कोई और नाम लेना हो तो आसानी से चेंज कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा। या ऐड करना है इस नाम को, कुछ नहीं करना आपको, बस इस पर ऐड टू डिक्शनरी में क्लिक कर देना है। देखिए ये अब ग्रामर मिस्टेक दिखा रहा है, बस इस पर क्लिक करिए चेंज पे, अभी सही हो जाएगा। देखिए आपको दिखा दो, इसमें से लाइन समाप्त हो गई, अब कोई इसमें लाइन नहीं है। अब आते हैं ही आर, हमने यहाँ पे बेस्ट के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया है, ये दिखा रहा है बेस्ट के स्पेलिंग क्या होती है। देखिए बहुत सारे स्पेलिंग इसमें दिखा रहा है, जिसका भी यूज कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। मैं इसका यूज करता हूँ बेस्ट का, बस एक्सचेंज करेंगे वो देखिए सही हो जाएगा। अब आता है आर पे, यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है तो इसलिए इसके नीचे ग्रीन लाइन दिखा रही है। ही इज बेस्ट बॉय होता है, ही आर बेस्ट बॉय नहीं होता है। इसी के साथ हम कभी भी आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके देखिए पहले ही आर के जगह सजेशन दे दिया इज का, मैं इसको आर के जगह इस चेंज करना है, आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने की गई गलतियों या ग्रीन और रेड लाइन को हटाना हो तो आसानी से हटा भी लेंगे, प्लस अपनी की गई गलतियों को हम सुधार भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में, अपने लिखे हुए डॉक्यूमेंट में। अब हम बात करते हैं आपसे एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए ये हमने एमएस एक्सेल का पेज खोल गया, इसमें भी रिव्यू टाइम में ही प्रूफिंग है। इस तरह एमएस वर्ड में रिव्यू टाइम में प्रूफिंग था, इसमें भी रिव्यू टाइम में ही प्रूफिंग है। प्रूफिंग के द्वारा हम इन सभी नामों को सही कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नाम हमने ऐसा टाइप कर दिया जिसको स्पेलिंग के बारे में पता ना हो, हमें उसकी स्पेलिंग चेक करना है सही है या नहीं, इसके लिए हमें स्पेलिंग पे क्लिक करना होगा। पहले हम क्लिक करते हैं फर्स्ट सेल पे, स्पेलिंग पे आते हैं। देखिए आपके सामने खुल गया, यहाँ पर हमने लिखा है कमल, कोमल लिखना हो या कमल लिखना हो कोई भी नाम, इसके कंबाइन जितने भी नाम सजेशन में दे रहा है, देखिए यहाँ पर दे रहा है, जिस नाम को आपको यूज करना है लिख सकते हैं। मैं यहाँ से कमला ले लेता हूँ, उस नाम को चेंज कर सकता हूँ, चेंज हो जाएगा। दूसरा आता है यहाँ पर हमने मोहन लिखा, मोहन के स्पेलिंग देखिए MOHAN कर दिया हमने, ये बता रहा है इसके सजेशन में MOHAN होता है, आप यहाँ से करिए वो चाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने टेंस लिखा है, ठीक है, टेंसली होता है, टेंस होता है, टेंसेड होता है, टेंसर होता है, बहुत सारी चीज़ों का नाम दिया हुआ है, जिसका भी यूज करना आपको उस नाम के लिए आप यहाँ से चेंज कीजिए, वो अपने आप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने बुक लिखना था, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने बुक की जगह बाके, बाइक, ब्लॉक, ब्रोक, बोले, बुक जो दिखा दे रहा है
जिस किसी का भी यूज करना है, क्योंकि जो लिखा है स्पेलिंग गलत है, इसलिए इसके सजेशन में इतने सारे वर्ड दे रहे हैं आपको। बहुत सारे वर्ड हैं, जिस वर्ड का आपको यूज करना है, मुझे बुक्ड का यूज कर दूंगा, यहाँ से चेंज कर दूंगा, तो देखिए बुक्ड हो जाएगा। यहाँ पेन लिखा हुआ है, पेन सही है, देखते हैं पुनः एक बार और आएंगे। चलिए एक बार वंस कर देते हैं, पेन पे आ गए, पेन पे क्लिक करते हैं, स्पेलिंग पे आ जाते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे पेन सही है, यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे MOEE लिखा है हमने, MOEE लिखा है, इसको सही करने के लिए तमाम तरह के सजेशन वाक्य दे रहे हैं यहाँ पे, मनी मैन माइन मोनिस, जिस किसी सजेशन वाक्य का यूज करना आपको आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो MS वर्ड के डिक्शनरी में जो भी वर्ड होंगे उनका वो स्पेलिंग सही करके आपको दे देगा, आपको स्पेलिंग से आसानी से अपना काम, तो इस स्पेलिंग के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट को आप सही कर सकते हैं स्पेलिंग चेक के द्वारा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।